थेरी ऑफ सोशल चेंज कोजर थेरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली गिव्स अस द गिवजन दैट हाउ कॉन्फ्लिक्ट आर इम्पॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग चेंजेस बोथ विद इन द सोशल सिस्टम एंड आउटसाइड द सोशल सिस्टम हम कोजर की जो फिलासफ़ी है कॉन्फ्लिक्ट की और फिर उस उनकी फिलासफी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे सोशल चेंज को लाने का एक जरिया बनते हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज कॉन्फ्लिक नाट ओनली जनरेट्स न्यू नॉर्म्स न्यू इंस्टीट्यूशनस इट मे बी सेट टू बी स्टमुलेटिंग डायरेक्टली इन द इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रियल कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे के तौर पर यह भी हो सकता है कि माशरे के अंदर जदीदीत का रुझान आ जाए ख़ास तौर पर मुशी जो मिसाइल हैं उनके लिए कुछ बेहतर सोलूशनस जो हैं उनके बारे में सोचा जाए या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स आने से लोगों के अंदर जो हैं जो गैप्स हैं उनको कवर करने की तरफ रुझान जो है वो हो जाए सो इन द यूनिटरी ऑर्डर ऑफ द मिडिवल गिल सिस्टम नो वन हैज परमिटेड टू हार्म अदर्स बाय मेथड्स विच इनेबल्ड हिम टू प्रोड्यूस मोर क्विकली एंड मोर चीपली देन दे हम देखते हैं कि प्रदा दौर से लेकर मिडिवल तक फिर उसके बाद भी हर माशरा जो है उसने अपने यहाँ तब्दीली लाने के लिए मुख्तफ़ प्रोसेस किए और फिर उसके अंदर एक टाइम ऐसा भी आया कि इन्वेंशन पर और टेक्नोलॉजी पर ख़ास पर ज़ोर दिया गया ख़ास तौर पर आज की जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इन्वेशनज़ और टेक्नोलॉजी को एक मेथड और टूल के तौर पर ऑप्ट किया जिससे उन्होंने अपने यहाँ सोशल चेंज को इंट्रोड्यूस करवाया यानी एडवांसमेंट के थ्रू प्रोसेस जो है सोशल चेंज का वो वहाँ पर आया तो काल जो काल कार्ल मार्क्स की एक फ़िलोसफी थी वो ये थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट दैट लीड्स नॉट ओनली टू एवर चेंजिंग रिलेशन विद इन द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर बट द टोटल सोशल सिस्टम अंडर गोज़ कार्ल मार्क्स का ये ख्याल था कि कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में पूरे का पूरा मुआरा जो है वो तब्दील हो जाता है लेकिन पोजर का ये ख्याल है कि जहाँ जहाँ मुआरे के अंदर जिस लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट आएगा तब्दीली लिहाज से लोग ख़ुद ऑटोमेटिकली उस कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम के तौर पर अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जो हैं वो प्रोसीड करेंगे और जहाँ जहाँ सवाल आएगा जब उस सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा तो उससे जो सोशल चेंज आएगी वो पॉजिटिव होगी यानी गोज़र की फ़िलासफ़ी में जो नेगेटिविटी है माशरे की उसको हल करने के लिए भी यही प्रोसीजर है कि लोगों के अंदर अगर कोई तनाव पैदा होता है तो उसके आउटकम के तौर पर अफराद एक दूसरे को कबूल करने का रास्ता इख्तियार करेंगे और मुशरा जो है वो दोबारा से सीखने के अमल को स्टार्ट करेगा और इसी से ही सोशल चेंज का जो प्रोसीजर या प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा और इस प्रोसीजर के तौर पर जो नए सवाल आएंगे माशरे में जो नई तब्दीलियाँ आने के चांसेस होंगे उनके लिए भी एक फ़्लो जो है उसकी जगह बनती चली जाएगी अब ये फ़्लो किस लेवल पर होगा जहाँ जहाँ जिस एंगल पर माशरे में मुख्तल लोगों के अंदर चाहे किसी एक टीयर के अंदर चाहे किसी एक ख़ास ग्रुप के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर इकनॉमिक रिसोर्स के ऊपर या हाउ टू यूज़ द स्टेटस ये सारे वो सवाल हैं जो हर माशरे के अंदर बुनियाद हैं किसी भी तनाव किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के किसी भी तसादम के तो जब तस्दम पैदा होगा तस्दम से रिलेटेड सवाल पैदा होंगे तो मुआरह एक मेकनिज़म के साथ इन सवालों के जवाब को भी ढूंढने की कोशिश करेगा और तस्दम भिलाकर मस्बत रास्ते मस्बत जो राहें हैं उनको खोलने का एक जो जरिया है वो बनता है ये बकौल होजर की फ़िलासफ़ी के इसी तरीके से माशरों के अंदर जो सोशल चेंज है वो आती है और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ उलट पुलट हो जाए बल्कि बीच के बहुत सारे रास्ते जो हैं वो मौजूद होते हैं और इनकी जो फंक्शनल थेरी है उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें जो हैं उनको डिटेल में किया गया है